नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं बीबीएन के साथ। मैं रोहन चौधरी। इस वक्त की लाइव तस्वीरें हम कुलगाम से आपको दिखा रहे हैं। अपनी पार्टी के चीफ अल्ताफ बुखारी ने आज महाजनसभा का आयोजन किया है। इसी तरह अल्ताफ बुखारी की तरह खड़ा हो जाऊं और अपने लोगों में तकरीर करूं और लोगों को बताऊं ये मैं जम्मू कश्मीर का वो बाशिंदा है जो असली नस्ली जम्मू कश्मीरी बाशिंदा है। क्यों इनको तंग कर रहे हो? मैं आप सबको बताऊंगा, ये जो सियासी जमातें हैं ये डोंगा आपको कह रही है। फिर आप कहोगे अल्ताफ बुखारी आप और आपकी अपनी पार्टी क्या सियासी जमात नहीं है? हम भी जरूर सियासी जमात हैं, लेकिन अल्लाह के फजल से एक वादा करता हूँ आप सबको, जितने लोग यहाँ आए, शहादत रहना, रोज माशर के दिन भी आप मेरा गिरेबान पकड़ सकते हो अगर मैं झूठ बोलूँगा। मैं कभी धोखा नहीं दूंगा, कभी शर्मंदा नहीं आप हो जाओगे अगर अपनी पार्टी और अल्ताफ बुखारी को वोट दोगे, कभी शर्मंदा नहीं हो जाओगे। अल्ताफ बुखारी वो ख्वाब आपको नहीं दिखाएगा जो हासिल नहीं हो सकता है, लेकिन आपको एक रोशन मुस्तकबिल, आपके बच्चों के एक रोशन मुस्तकबिल की जमानत के लिए काम करेगा। मैं कहता हूं आपको, और किसी ऐरे गहरे से नहीं, मैं अगर बात करता हूं मैं हिंदुस्तान के वजीर आजम से बात करता हूं, मैं अगर बात करता हूं मैं हिंदुस्तान के वजीर दाखिला से बात करता हूं, तो क्यों ना करूं? फिर क्या मैं इनकी तरह किसी चपरासी से जाके बात करूं? इनको तकलीफ होती है कि अल्ताफ बुखारी क्यों वजीर आजम से बात करता है? क्या ये इनकी ही ज्यादा थी? वरना इनके पास 1996 में 66 सीटें आपने दी, 66 सीटें दी तो यमो एमन पत कोरमो ऑटोनॉमी उन रेजोल्यूशन सुतुल दिल्ली वालों लागू कर दी की टोकरी में। अगर इनमें हिम्मत होती आंख में आंख डाल के बात करते दिल्ली से कि ये हमारे लोगों का फैसला है आपको ऑटोनॉमी देनी पड़ेगी, लेकिन इनको खतरा था कि इनकी कुर्सी जाएगी। कुर्सी अगर आप लोगों ने दी थी तो इनको डरना क्या था, लेकिन इनको पता थी 96 में आप लोगों ने इनको कुर्सी नहीं दी। इनको अगर कुर्सी दी 96 में तो दिल्ली के अरबाब इक्तदार ने दी। हम सबको पता है, आपको भी पता है, उस वक्त अगर इन्होंने पत्थर को भी यहाँ खड़ा किया वो भी जीत गया, क्यों? दिल्ली चाहती थी कि लसन कानी फिर दिया नहीं जो रुकना कान फैलो ये वो इतना कानी फिर तुम जाना ना जा या फिर तुम जाना वाकर मत बहन ना हो तो मन उनके तुंदन इलाकन मन जीवन तुमों लुको यम वजूद से मंजूर है क्या क्यों दिल्ली चाहती थी कि वो लोग जीते। दिल्ली ने उसके बाद के हर इलेक्शन में अगर देखा कि उनके वो चुने हुए
जो जरखरीद गुलाम थे, कहीं हार रहे थे तो कहीं बोला 300 वोट से उनको जिताया, कहीं 600 वोट से जिताया, उन्हीं ने कोशिश के कारण आज चीज को जो मुझे पता कासा जो वोट था। अगर भाई अल्ताफ बुखारी अपनी पार्टी कंफ्यूज बनाए क्या मैंने तुम जो खुदा देंगे दोनों वोट, मगर ता चीजों वोट इस भाषो पोज क्या अब चीजों ने वोट के तो अगर पे वोटों के इस्तेमाल सही आशो कर्म यह त्रे हथ सत पांच रे हे वे ना कह त्रे हथ सत पांच रे वे ना कह क्या तेल आ तम फिकर लूकन तुम ये बच्चे शहीद गए तम सात वोत सियासी लीडर सान बच्चन हंद खा तमो कौन दिल वाले वो अगर नो तुम कह बहुत दिल वाले त वन तुरू लुकन हज खदमत तुम वो लुकन क्या दौर तुम वो लीडर क्या दौर लीडर वन पान लुको मज तुद बनान सत बन लीडर ये कह दिल वाले तुम कर अम खत कोशिश तुद बनान सत बन ये कह लीडर तुम करो ना पांच सत्तन वर्न कोशिश तुक ना तुम थोक अम नेशनल कॉन्फ्रेंस कलस खाल पत् वो ब्या जमात नाव कोस पी डी पी तुम सोचू कलम दबा दमो शायद मा दपन लुक ये आई जमा इसलमी अत बदल कलम दब अत कलम दब बदल अब दोखन मज मत यी दो दिल्ली करो दोह कोशिश बुज कि तम कर तम लीडर ये खड़ा यम तुम बनावन तु कौ लुक लीडर तुम खड़ा यम तुम बनो तु वो इस लीडर तुम पोज वनो इस लीडर तुम खदमत कर पोज वन गो ना बया ये दिलस मे ती गुन ते ग पोज वन लीडर क्या मुमकिन क्या मुमकिन वन उस मीर सब वन अगर अस इकतदार मज आई यम चीज करो बहुस जमानत दिवान बहु जमानत दिवान कि इस कथ एम वन हरब हरब करो पू हरब हरब करो पू नौजवान वन नौकरी लागो अल्लाह ताला सिंद फजल सत लागो नौकरी हक पलि दमो हक कुन जाए ये कंस रिश्तेदार सिंदिस कह रिश्तेदार नौकरी दिन कह अलता बुखारी पे नीचे नौकरी दिन कह अलता बुखारी पे रिश्तेदार बच्चन नौकरी दिन कह हक वाले को हक मिलेगा। लेकिन मैं एक साथ आपके सामने आज कहता हूँ जो वर्कर मेरी पार्टी का है अगर सास नौकरी आसन सा तुम मिलन लुक नहीं उनके लिए 50 नौकरियां मेरा काम है खड़ा करना। और आपको आज बताता हूं ऐलान अभी वोट नहीं लिया ना वर्कर को भी हक मिलेगा लेकिन वो आम जो लोगों का हक है उसमें से कट के नहीं मिलेगा चोरी से नहीं मिलेगा पैसे से नहीं मिलेगा रिश्वत से नहीं मिलेगा क्यों नहीं तनख्वाह चाहे अमिस वर्कर मे वन तमिस वर्कर अच्छा तनख्वाह ये कम खतर ना इस सत इतना कि पगह गोस मेनिस गरस मज तथा बन मगर ये लुकन हक ये पोलिटिकल पार्टी खेवान अमिस लु वर्कर सन नफरत गम इंसान ये दपा अम खे मेनिस बच्च सुद हक बो वाद तुम दिवान तुद हक मन आम लुकन हंद हक मन कह मगर वर्कर तो पकना यह कह पे पक बिचोर अमिस क्या अमिस ठीक अमिस जज्ब आसान खदमत खलको लोग क्या सियासत उस कर द्रा तमिस गर आसान कह आम मोन गर आव ने कह कि अलता बुखर ऐसे नियर ऐ कर खदमत लुकन यह फीस बिल ला सियासत उस तरह फीस बिल ला कर मगर गर त गक कहीं मा गि ये मा गि कहीं पत कन वो एक लीडर को एक तंजीम को उसका सोचना है लेकिन साथ ही सबसे पहले अपने लोगों का सोचना है अपने लोगों के साथ कोई ज्यादती नहीं होनी चाहिए। मैं आप लोगों को वादा ये करता हूँ कि इंशाल्लाह वर्कर की भी इज्जत बहाल करेंगे और आम लोगों की इज्जत ये मकार सियासतदान जो हर दिन आपके पास आते हैं वो आंसू बहाती हैं कोई औरत की शक्ल में आता है कोई मर्द की शक्ल में आता है इनसे खबरदार रहिए। एक ही सवाल इनसे पूछिए अगर ईमान वाले हो एक सवाल इनसे पूछो बताओ कि आपकी जबान पे क्यों भरोसा करें क्यों आपको तो मौका दे दिया था आपको तो पिछले 75 साल से मौका दे दिया आपने तो हर बार गलत किया बार बार गलत किया आज भी किनके इशारों पे वो नाचती हैं वो जमातें शायद किसी को पता नहीं होगी मुझे पता नहीं है कम अज कम आपको अगर पता होगी मुझे भी बताइए क्योंकि ये पता ही नहीं है वो किस किस के दर खरीद गुलाम है कम अज कम जम्मू कश्मीर के लोगों के दर खरीद गुलाम तो नहीं है वो उनको ये लगता है आज वो इमोशनली
sentimental vote. Aashwani waad, sentiment has been shown. You do sentiment. Jin logo ne hame loota, unke saath hi sentiment hoga. Aashwani waad. China sena china pata ki sentimental shi on the earth say. Katu say, suran say cha, badmashan say cha. Lukna chan aaj tamai ki, aashun kaan kaan shi waad, bakaj kaan. मैं यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करना चाहता हूँ कि हमारे एसटी भाई हैं, इनको क्यों तंग कर रहे हो? इनके कुछ हकूक है, जंगलात में हकूक है, फॉरेस्ट एक्ट लागू हो गया है, क्या आप भूल गए हो 370 के बाद यहाँ हिंदुस्तान का फॉरेस्ट एक्ट लागू हुआ है, उसमें सब मरात है। मैं 16 मार्च को जब होम मिनिस्टर से मिला, मैंने वो बोला उसी दिन कानून उनसे उनको बोला कि आप चुन चुन के कानून लगा रहे हो। 17 मार्च 2020 को वो कानून यहाँ लागू हुआ। अब मैं पटेल साहब से गुजारिश करता हूँ, वो जो हमारे एसटी के यहाँ लोग हैं, एसटी के अहदेदार भी जो हैं, जहाँ जहाँ पर जो अफसर उसकी खिलाफवर्जी करता है, मेरी नॉलेज में लाइए, मैं हिंदुस्तान के सबसे बड़े ऐवान में जाकर बात करूँगा। क्यों नहीं बात करूँगा? इनके हकूक पर कोई शब्द खून करेगा, मैं उसके लिए लड़ूंगा, मैं हर एक के लिए लड़ूंगा। जितना मैं कश्मीरियों का हूँ, तहीं मैं एसटी बरादरी का हूँ, तहीं मैं पहाड़ियों का हूँ, हर एक का जो जम्मू कश्मीर में रहता है, हिंदू रहे, मुसलमान रहे, जो भी रहता है, हमारी जमात बनी तो इसलिए असमन में जैम आका थे, ये जिब आका हमने जम्मू और कश्मीर के लोगों के दिल मिलाने हैं। क्यों? उनको भी लूटा गया, उनको मजहब के नाम पर लूटा गया वहाँ, और हमको जज्बात के नाम पर लूटा गया यहाँ। हमें कभी सबज रुमाल दिखाई गई, कभी और। मैं यहाँ अपनी मजहबी रहनुमाओं से अपील करता हूँ, जो जमाते जिन पे बैन लगा हो, मैं उनको अपील करता हूँ, सामने आइए, ये हमारा मंच जो है, हमारी जमात जो है, आइए, ये किसी खानदान की जमात नहीं है। यहाँ हर एक आदमी, यहाँ जो आप सामने मेरे बैठे हैं, किसी को भी कल हक होगा कि इस जमात का सदर बने। जरा आप मुझे दिखाओ नेशनल कॉन्फ्रेंस में कोई और सदर बने, जरा नेशनल पीडीपी में दिखाओ कोई और उस खानदान के बिना उठ के सदर बने। यहां मैं कहता हूं, आप में से दावत देता हूं, कोई भी बनेगा सदर। मैं उन जमातों को भी कहता हूं, आइए सामने आइए, हमारी जमात ज्वाइन करिए, और जो इलेक्शन लड़ने के काबिल होगा हम उसी को मैंडेट दे देंगे। हम पीछे हो जाएंगे, आप तो आगे आगे करेंगे। आप लोगों का हक है, आप लोगों ने दीन की खिदमत भी करी है, लोगों की खिदमत भी करी है। शायद आपका करेक्टर इतना अच्छा है कि हम मिसाली तौर पे कह सकते हैं कि इन लोगों को वोट दीजिए, क्योंकि इनके कैरेक्टर पे नमाज आ सकती है, इनके दामनों पे नमाज आ सकती है। लेकिन उनको मुख्तलिफ चीज़ों में फंसा कर रखा है इन्होंने। कभी कहते हैं नहीं जनाब, इन लोगों ने हमें 30 साल क्या बोला, भैया तुम लोगों ने 75 साल तो हमें बहुत बहुत कुछ बोला था, फिर आपका क्यों ना एहतसाब किया जाए। आज शिवाना आप जमाता है अदर से चुनावाना जमात छुलेमी वाले ने हेलो इन जमात करियो ज्वाइन शर्म छू ना इमाम वानस तो तुम ही जमात जो बनो हो तो जुतो वन वरी ना कदर इख्तदार अस मज रुजु तो रुजु तेंगी से के या ये आज छू बासा नाम छू गम तुम निश तुम सूच आज के अ पकोन आज के आई तुम छू छू बासा तुम गनहन मज गई तुम ती शामिल हमन तुम सातन साथ। आज अगर वो सामने आना चाहते हैं और लोगों की खिदमत करना चाहते हैं तो क्यों नहीं करने दीजिए। कभी एक बहाने से उनको तंग कराते हो, कभी दूसरे बहाने से पुलिस स्टेशनों में बुलवाते हो, क्यों बुलवाते हो? और फिर इल्जाम कहते हो कि दिल्ली वाले उनको तंग करते हो। अभी भी तो दिल्ली के सबसे बड़े एजेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी की लीडरशिप है क्या? आज भी मैं आपको बताऊंगा, आप लोगों को हैरान नहीं होना चाहिए, हिंदुस्तान के सबसे दो बड़े सुतून जो यहाँ हैं हिंदुस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की लीडरशिप है। खबरदार रहिए इन लोगों से, या कांग्रेसी हैं, ये सब एक ही चट्टे पट्टे के लोग हैं। खबर पोज वन क्या इन छूना ऐसे खोजा या कुछ चीज इन जो खोजा अल्ताब बगैर नहीं नहीं कात माना तब क्या जो वाना आई में क्या लोग जन वोट कर ही बैमो तो आज ये मॉल लोग नहीं जुदा कर करो का था दबो के भाया आज मैं होना पोज तो ना बुझू लिखिए आन पानी वोट छूना तू छूना पानी वोट मोले ऐसे मैं मोले के पाटर साहब चुम वन दमान चुम नाज इन नौजवान से ही तंग करा पाटर साहब ये इलेक्शन मकली नहीं दी
क्या दिल्ली थी आवरी वो पांचन स्टेटन मे इलेक्शन पजर गो ये इलेक्शन खत्म गे मे पे दिल्ली गुन बह कर यह कत सान नौजवान पकड़ दकड़ बीच शुरू कर्म ये रुकान पासपोर्ट बंद गान त्रावो यल बह वन आज ये बंदूक तुल शायद मा सजा तम तुल मगर तम सिशतदार मे दू तुम सजा कह जमात जमात इस्लामी सत्य पथ कल रूदम आज तम सचन तंग कर तम तंग कर शर्म करो उन लोगों ने क्या किया कहाँ आलिदी सोकुन कहाँ बे जमात सोकुन मैं हाँ हम सब के लिए यहाँ हम सब के वकील हैं अच्छे वकालत नाम दुत बनो पजर मे वकालत नाम मगर हम तो सब के लिए उठे हैं और हम हर उस बेगुनाह के लिए उठे हैं जिसकी कोई जबान नहीं आ बनी हम सबकी जबान बनेंगे। मुझे मालूम है कि मेरे बच्चों को कितनी तकलीफें हैं मुझे मालूम है जब वो पीएससी का या एसएसआरबी से सेलेक्ट होके अपनी वेरिफिकेशन ढूंढते हैं तो उसको कहते हैं कि नहीं आपको नहीं मिलेगी। एक मुझे अभी मैं एक किस्सा आपको सुनाऊंगा। कुछ दिन पहले मुझे दो बहनें मिली उन्होंने कहा अल्ताफ साहब हमारे भाई ने बंदूक उठाया था वो शहीद हुआ हमारे घर में कोई सहारा नहीं है मैंने अब सोशल वेलफेयर में कोई एसएसआरबी के थ्रू इम्तिहान दिया था और मैं पास हो गई मुझे नौकरी मिल गई मुझे वेरिफिकेशन नहीं मिल रही। क्या उस बच्ची का मुस्तकबिल क्या है उन बच्चियों का मुस्तकबिल क्या है अल्लाह ना करे अगर उनको वेरिफिकेशन नहीं मिलेगी क्या सरकार समझती है कि वो ड्रग एडिक्ट बने या ड्रग्स कैरियर बने या अल्लाह ना करे कोई ऐसा काम करे जिससे पूरी कौम शर्मिंदा हो जाएगी। क्या हम अभी भी शर्मिंदा नहीं हो रहे हैं ये सब कुछ हमें उन जमातों ने दिया है। मैं आप लोगों से मुखातिब हो रहा हूँ मैं इसलिए कह रहा हूँ क्यों मेरा ज़मीर मुझे कह रहा है कि इन लोगों को ये बातें बताओ मैं वो तेमिस कुछ मेरी तम सुद मसल कुछ कर हल ये में लीडर करनस ना हल कह तुह तीस तुह तमात तथ बन इम्स मसल हल कर वो क्या करेंगे। आपको नहीं लगता वो मेरी बेटी हो सकती है वो कल को आपकी बहन हो सकती है वो कल को किसी की साथ भी हो सकता है कब तक हम ये बर्दाश्त करेंगे। मैं यहाँ की जम्मू कश्मीर की पुलिस से भी ये गुजारिश करता हूँ सीआईडी महकमा जो है उनसे भी गुजारिश करता हूँ कि ठीक है आप अमन आम अमान यहाँ बहाल रखना चाहते हैं और मुबारकबादी देता हूँ यहाँ अमन अमान अब बहुत अच्छा है हिंदुस्तान के बाकी हिस्सों से लेकिन ये नौजवानों को तंग ना करिए नौजवान बच्चे बच्चियों को तंग ना करिए इन सियासी लीडरों को तंग ना करिए जो मजहबी जमातों के साथ है। आखिर मैं अब्दुल मजीद पडर साहब और आप सब लोगों को मुबारकबाद ये एक बार फिर देना चाहता हूँ कोई भी मसला हो जहाँ पर भी आपको लगे अल्ताफ बुखारी और अपनी पार्टी आपके लिए बात कर सकती है हम किसी भी ऐवान में तैयार हैं बात करने के लिए क्योंकि हम अल्लाह के फजल से अल्लाह से ही डरते हैं और किसी से नहीं डरते। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार।